वक्त के साथ ही हम बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारी दिमागी सोच और शरीर चेंज हो जाती है। ये साइन है मैच्योर होने की। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक स्टोरी जो वक्त के इसी बदलाव को एक अलग ही तरीके से दिखाती है। ये स्टोरी है ब्लू माई माइंड। मियाँ एक छोटी फैमिली में रहती है, सिंपल और हैप्पी। बचपन से ही उसे समंदर से बहुत लगाव था, वहाँ खेलना उसे बहुत पसंद रहता है। वो अक्सर समंदर को यूं ही घंटों तक देखा करती। ऐसा लगता था मानो समंदर की उस गहराई में उसकी कोई एक राज छुपी हो। पलक झपकाते ही मियाँ अब 16 साल की हो चुकी थी। जब मियाँ एडल्टहुड में एंटर कर रही थी, मियाँ की फैमिली शहर में मूव करते हैं उसके फादर की काम की वजह से। ये उसके लिए मुश्किल था क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट थी जो किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती। इसलिए मियाँ को इस नए जगह बहुत अकेलापन महसूस होता है। नए स्कूल में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, उसे प्यार महसूस होने लगा था। घर पर वो अक्सर ही अपने पेरेंट्स से झगड़ती रहती। मियाँ की बॉडी भी स्ट्रेंजली चेंज होने लगती है। पानी पीते वक्त हम देखते हैं कि वो पानी में बहुत नमक मिला लेती है। बस इतना ही नहीं, उसे अब कच्चा मांस खाना पसंद था। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और फिश टैंक में रखी उसकी मदर की पेट गोल्डफिश को सीधे अपने मुंह में डालकर उसे खा लेती है। जल्दी उसे अजीब फील होता है और वो टॉयलेट में उल्टी कर देती है। स्कूल में मियाँ इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ नए दोस्त बनाना चाहती थी। जानबूझकर ही वो कुछ शरारती बच्चों को ढूंढती है, एक रिच लड़कियों का एक ग्रुप। वो उनसे कहती है कि मैं भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ, जिस पर पहले तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और बाद में उसे मना कर देते हैं। इसके बाद मियाँ अपने घर में झूठ बोलने लगती है और बाकी लड़कियों के साथ मिलकर पिकनिक पर जाती है। वहाँ से वो लोग सुपर मार्केट जाते हैं, जहाँ पर मस्ती के लिए वो लोग मिलकर चोरी करते हैं। वो लोग स्मोक करते हैं और मिलकर शराब भी पीते हैं और फाइनली मियाँ इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और उनकी दोस्त बन जाती है। लेकिन अब उसकी बॉडी भी चेंज हो रही थी। वक्त के साथ ही ये चेंजेस और भी अजीब होते जा रहे थे। आज मियाँ के रिश्तेदार उससे मिलने पहली बार आ रहे थे। मियाँ थोड़ी नर्वस थी। नहाते वक्त मियाँ सडनली नोटिस करती है कि उसके पैरों की उंगलियाँ अजीब तरह से आपस में चिपक गए थे। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी उंगलियाँ अलग नहीं होती। अब क्योंकि गोल्डफिश टैंक में नहीं था, मियाँ की मदर गुस्सा होकर मियाँ को थप्पड़ मार देती है। मियाँ अपनी मम्मी से गुस्सा हो जाती है और उनसे अपने शरीर में हो रही इन अजीब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करती। वो अकेले ही डॉक्टर के पास चली जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर उससे कहती है कि इस तरह की उंगलियों का चिपकना बहुत ही कॉमन है और एक माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके बाद उसकी उंगलियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयारी कर ही रही थी कि मियाँ अचानक से उठकर वहाँ से भाग जाती है। वो नहीं चाहती थी कि सबको इस बारे में पता चले, सब उसे मॉन्स्टर कहेंगे। इसलिए वो खुद ही बैंडेजेस और एक कैंची खरीद लेती है उसकी उंगलियों को अलग करने के लिए। बहुत दर्द सहकर वो अपनी उंगलियों को कैंची से काट कर अलग कर लेती है। इसी दौरान मियाँ को डाउट आने लगता है कि शायद उनके पेरेंट्स की बायोलॉजिकल यानी कि सगी बेटी नहीं थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो नॉर्मल थे और उसे अकेले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मियाँ अपने फैमिली एल्बम खोलकर देखने लगती है, लेकिन उसमें उसकी मदर की एक भी प्रेगनेंसी की फ़ोटो नहीं दिखती। मियाँ अपनी मदर से सच्चाई पूछती है, मदर भी उसके सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देती। मियाँ इसके बाद बहुत ही उदास हो जाती है। चेहरे पर बहुत सारा हेवी मेकअप करके वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने चली जाती है, ताकि वो सब कुछ भूल जाए। वो तो बस खुश होना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में हो रहे बदलाव अभी भी नहीं रुक रहे थे। उसे बहुत तकलीफ होने लगती है जब उसके उंगलियों के बीच में मछली जैसे छाले आने लगते हैं। सुबह उसकी स्किन भी पील होने लगती है और मियाँ ये सब अपनी मदर को नहीं बताना चाहती, इसलिए वो जल्द से उन सारी चमड़ी को ब्लैंकेट में ही छिपा कर स्कूल की ओर चली जाती है। आज क्लास में टीचर एक फिश को डाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि उसे दो हिस्से में काट रहा था। मियाँ मछली की स्मेल से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी और क्लास ख़त्म होने के बाद जब सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, मियाँ उस मच्छी को कच्चा ही खा जाती है। इसी दौरान मियाँ की एक दोस्त उसे ये करते देख लेती है, जिस पर मियाँ उसके गले को पकड़कर उसे दीवार पर धक्का दे देती है। उसे वार्न करती है कि अगर उसने ये बात किसी से भी कहा तो उसे मार डालेगी। अब चीज़ें हाथ से निकलने लगी थी क्योंकि मियाँ खुद को हेल्पलेस पाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रात में जब मियाँ के पेरेंट्स एक मैरिज पार्टी अटेंड करने जाते हैं, मियाँ फिर से हेवी मेकअप लगाकर पार्टी करने चली जाती है। वहाँ पर उसके अमीर दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ पानी में खेल रहे थे और तभी मियाँ के पैर में फिर से छाले जैसे आने लगते हैं। उसे बहुत ही दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है और अकेले ही वहाँ पर पड़े हुए शराब पीने लगती है। सडनली वहाँ पर हेल्प की एक आवाज़ आती है, क्योंकि उसके दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी लिया था, वो पानी में गिर गई थी। अपने पैरों में हो रहे दर्द को अनदेखा करते हुए मियाँ उठकर पानी में दौड़ते हुए छलांग लगा देती है और उसके दोस्त को बचा लेती है। मियाँ की दोस्त उसे पहली बार सच में अपना दोस्त मानती है, क्योंकि इतने लोगों के होने के बाद भी किसी ने उसकी मदद नहीं की सिवाय मियाँ के। घर लौटने के बाद मियाँ देखती है कि उसके रिब्स पर स्ट्रेंज मार्क्स थे, बिल्कुल किसी मछली के गिल्स की तरह। उसके पैर भी अब पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। मियाँ ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती और बहुत रोने लगती है। उसे तो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। दूसरे दिन जब वो उठती है, उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। उसके दोनों पैर अब नीले फिंस में बदल चुके थे।
दर्द में मुश्किल से रेंगते हुए वो बाथरूम के टब के अंदर जाती है जिसे वो पूरी पानी से भर देती है। इस पल मियाँ पूरी तरह से शांत हो जाती है, उसका दर्द जैसे कहीं गायब हो चुका था। फाइनली वो खुद को एक्सेप्ट कर लेती है एज अ मरमेड, जी हाँ एक जलपरी। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है जो उसे बीच तक ले जाती है। कार में मियाँ एक आखिरी बार अपनी मदर को कॉल करके उनसे सॉरी कहती है। आखिरी वक्त में मियाँ अपनी दोस्त को गुड बाय हक करने के बाद मियाँ समंदर की उसी गहराई में तैरती चली जाती है। वो अब उस नीले समंदर में तैर रही पूरी तरह से एक जलपरी में तब्दील हो जाती है। उसे आखिरकार अपने लिए एक नया घर मिल गया था, आखिर में वो खुश थी। एंड इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है विद अ ब्यूटीफुल मैसेज कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमें पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जस्ट द वे वी आर। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।